जब युधिष्ठर को हस्तिनापुर के राजा के रूप में ताज पहनाया गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह अब द्वारिका जाना चाहते हैं। कुंती माता भगवान के दर्शन करने आई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, पूछो तुम्हें क्या चाहिए। कुंती माता ने कहा, हे भगवान, कृपा मुझे कष्ट, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ और गरीबी दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लोग विलासिता और सुखों से भरा आसान जीवन मांगते हैं, आप कष्ट क्यों मांग रहे हैं। कुंती माता ने कहा, महाराज, हमारे पास जितने अधिक विलासिता और प्रचुरता होती है उतना ही अधिक हम भौतिक क्षेत्र की ओर मुड़ते हैं और आपके बारे में भूल जाते हैं। मेरा अंतिम लक्ष्य भौतिक सुख के बजाय आध्यात्मिक उन्नति है, इसलिए कृपया मुझे कठिनाइयाँ प्रदान करें। यदि आपने सब कुछ पा लिया लेकिन भगवान श्री कृष्ण को खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। यदि आपने सब कुछ खो दिया लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ पा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्धारित कष्टों से उनके भक्तों की वृद्धि होती है। भौतिकवादी व्यक्ति के लिए यह कष्ट जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यह उसे आसक्ति से मुक्त कराने के लिए भगवान द्वारा दी गई कृपा है। प्रहलाद को कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उसकी भक्ति के कारण भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। मीराबाई को कष्ट हुआ और वे श्री कृष्ण में विलीन हो गई। अर्जुन को कष्ट हुआ लेकिन उसने कृष्ण को अपने साथ पा लिया। सुदामा को कष्ट हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रोते हुए अपनी सभा में दौड़ाया। सबरी ने कष्ट सहे और भगवान श्री राम को अपने घर में पाया। गोपियों को कष्ट सहना पड़ा और उन्हें भगवान के प्रति समर्पण, प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में पहचाना गया। द्रौपदी ने कष्ट सहा और श्री कृष्ण को अपना मित्र बना लिया। कठिनाइयाँ और बाधाएं विशेष भक्तों के लिए भगवान की विशेष कृपा है। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव सांसारिक लोगों से भिन्न है। जब आप खुश होते हैं तो सांसारिक लोग आपके साथ होते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपके साथ होते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप इसकी खोज करें। एक मशहूर कहावत है, मैंने एक बार भगवान से बुद्धि के लिए प्रार्थना की, उन्होंने मुझे हल करने के लिए समस्याएं दी ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। मैंने ईश्वर से साहस के लिए प्रार्थना की, उन्होंने मुझे खतरों पर विजय पाने के लिए अवसर दिए ताकि मैं साहसी बन जाऊं। मैंने भगवान से शक्ति के लिए प्रार्थना की, उन्होंने मुझे समाधान करने के लिए बाधाएं दी ताकि मैं मजबूत बन जाऊं। मैंने भगवान से प्रेम की प्रार्थना की, उन्होंने मुझे दीन, दुखियों और गरीबों की सेवा करने के लिए दिया ताकि मेरे मन में उनके प्रति प्रेम पैदा हो, और मेरे मन में प्रेम पैदा हो गया। मेरी प्रार्थना का उत्तर वह नहीं मिला जो मैं चाहता था, बल्कि वह मिला जो मुझे चाहिए था। जय श्री कृष्णा।